हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गणपति आ रहे हैं, उसके लिए आज हम बनाएंगे मोदक। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत डिलीशियस बनती है। मावा मोदक बनाएंगे, जिसके लिए हमें चाहिए दूध, शक्कर और केसर चाहिए। बस तीन ही चीज़ चाहिए। चलिए बनाना शुरू करते हैं। यह हमने कढ़ाई चढ़ा दी है। 1 लीटर ये हमारा दूध है, फुल फैट मिल्क है। अभी इसको हमको पकाना है, बीच बीच में चलाते जाएंगे। हमने बाहर से मावा नहीं लिया, इसीलिए हम घर में बना रहे हैं। अगर आप नहीं बना सकते तो बाहर से भी ले सकते हैं। दूध हमारा बॉईल हो रहा है, चला देंगे। जो भी टाइम लगना है अपना मावा बनाने में लगेगा, फटाफट बन जाते हैं। इसमें से हम थोड़ा सा दूध निकाल लेंगे। ये हमने दूध निकाला, इसमें हम केसर डाल देंगे। इसको मिक्स करके रख देंगे। इसको चलाते जाएंगे। ये साइड में जो लग रहा है इसको निकाल लेंगे। पकाते पकाते देखिए ये हाफ हो गया है मिल्क हमारा। साइड का निकालते जाएंगे इसका। ये हाफ से भी कम अब है, अब आपको चलाते ही रहना है। इसको चलाते रहेंगे, ये ठीक हो गया है। अब इसमें डालेंगे हम शुगर, डालेंगे 1 कटोरी है ये। इसको अच्छे से मिक्स करना है, चलाते रहेंगे। अब इसमें शुगर हमने डाल दिया है, नहीं तो चिपक सकता है। केसर वाला दूध डाल देंगे इसमें। इसको मिक्स करेंगे, इसको चलाते रहेंगे, नहीं नीचे लग जाएगा। अगर आपके पास केसर नहीं है तो फूड कलर भी डाल सकते हैं। इसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। इसको मिक्स करेंगे। इसमें डालेंगे इलायची, इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। बस इसको थोड़ी देर अभी भूनना है। बस अब गैस को बंद कर देते हैं। ये इकट्ठा हो रहा है, ये हो गया है। प्लेट में इसको निकाल लेते हैं, इसको ठंडा करना है अभी। इसको हमने थाली में निकाल दिया है, इसको अभी ठंडा कर लेंगे। ये ठंडा हो गया है, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम। थोड़ा सा हाथ में घी लगा लेंगे। ये मोदक बनाने वाला मोल्ड है, थोड़ा सा इसमें घी लगाएंगे। इसको बंद करेंगे और इसमें डालेंगे अभी। अच्छे से दबाना है इसको। अब इसको निकाल लेंगे हम। इजीली निकल आता है। ग्रीस करना ज़रूरी है, अच्छे से निकल आएगा। देखिए कितने अच्छे बन रहे हैं। ऐसे ही सारे बना लेंगे हम। हमारे मोदक बन के तैयार हैं, बहुत ही टेस्टी बने। इस गणपति में ज़रूर से ज़रूर बनाइए, खाइए और खिलाइए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। बाय बाय गाइस।